बिहार वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। आप सारे बच्चे ठीक हो? यस मैम ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आप ठीक है? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। चलिए सारे बच्चे आपने इंग्लिश बुक निकाली, पेज नंबर है 94। चलिए निकालिए पेज नंबर 94। मैम पेज नंबर है 94। सारे बच्चे देखिए जो जैसे कि मैंने देखिए आज हमें अब बुक करनी है। पहला जो इसमें है, आप सारे बच्चे पेंसिल हाथ में रखिए। सारे बच्चे पेंसिल हाथ में रखिए। सब बच्चों ने पेंसिल निकाला? यस मैम। चलिए देखिए यहाँ पे मेरी बुक की ओर देखिए। आप जो आपका फोन है उस पे आप देखिए, वैसे ही आप भी अपनी बुक्स पे लिखेंगे। यहाँ पे है कंप्लीट दिस पजल, यानी कि ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले अब हमें ये कंप्लीट करना है कि इसमें क्या आएगा। पहला है यहाँ पे द ताजमहल इज, यहाँ पे आएगा फेमस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है। सारे लोगों को पता है कि ताजमहल के बारे में, इसलिए फेमस है कहाँ पे, पूरी दुनिया में। तो द ताजमहल इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो डैश है यहाँ पे आप फेमस लिखिए, एफ ए एम ओ यू एस। जल्दी से लिखिए फेमस। इसमें मैं मैंने लिखा फेमस। चलिए ठीक है, अब आप दूसरा देखिए। प्लीज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन, एल आई एन ई। मैम लिखा लाइन। चलिए ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद तीसरा है। देयर इज अ मैन सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल, एक जो आदमी है वो कहाँ पे बैठा है, टॉप की हिल टॉप पे बैठा है। तो यहाँ पे आप मैन लिखेंगे, एम ए एन मैन। इसके बाद है फोर्थ वाला, यू कैन सी द सी फ्रॉम माई हाउस इन चेन्नई, यू कैन ऑल्सो हियर द वेव्स। सी हम किसको कहते हैं, समंदर को, यानी कि आप मेरे घर से समंदर देख सकते हैं और आपकी वेव जो समंदर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगी सी, एस ई ए। पेज नंबर है 94। 92 मैम हम सैंडी लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकती बेटा, सी लिखना है वहां पे, एस ई ए सी। सी कहते हैं समंदर को। ये मुझे भी है। जल्दी से लिखिए, मैं वापस से एक और बार पूछती हूँ। पहला जो था हमारा यहाँ फिर से एक और बार मैं पूछती हूँ, आप नजर रखिए कि आपने ठीक लिखा है। जो ताजमहल यहाँ पे आएगा, ताजमहल फेमस क्या आएगा? फेमस कहाँ पे दूसरे में आएगा? प्लीज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एल आई एन ई लाइन। उसके बाद है तीसरा, तीसरे में आएगा देयर इज अ मैन, एम ए एन मैन स्टिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल। इसके बाद है फोर्थ वाला, यू कैन सी द सी, एस ई ए सी, फ्रॉम माई हाउस इन चेन्नई यू कैन ऑल्सो हियर द वेव्स। सब ने लिखा? Yes, ma'am. चलिए इसके बाद हम देखते हैं। Yes, ma'am. इसके बाद ये जो पजल है ये हमें फिल करना है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 94। ये जो पजल है ये हमें फिल करनी है। यहाँ पे दिया गया है F, यहाँ पे हमें खुद लिखना है A, F A M O U S, famous। लिखिए पहला वाला पजल हम पहले करते हैं, इसमें आएगा A O U S F A M O U S हुआ famous। लिखिए जल्दी से। मैम लिखा, मैम लिखा। यहाँ पे आएगा दूसरे में लाइन, L I N E लाइन, और तीसरे में आएगा मैन, एम ए एन मैन, और फोर्थ में आएगा सी, एस ई ए सी। सी कहते हैं समंदर को। सबने ये पजल कंप्लीट किया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप इसके बाद देखिए, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स, एग्जाम्पल लिसन। यानी कि हमें अंडरलाइन करना है उस वाले लेटर को जो कि साइलेंट रहता है। जैसे कि लिसन है तो टी जो है, टी का साउंड हमें नहीं मिलता है, तो टी को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये साइलेंट रहता है। इसके बाद जो पहला है लर्न, जब हम बोलते हैं लर्न तो ई जो है उसका साउंड नहीं निकलता है, तो ये जो ई है इसके नीचे आप छोटा सा अंडरलाइन करोगे। सेकेंड है वॉक, जब हम वॉक कहते हैं एल जो है एल साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे आप एल को एल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद है किचन, जब हम किचन बोलते हैं तो टी जो है टी साइलेंट रहता है, इसी तरीके से आप टी के नीचे अंडरलाइन करोगे। फिर है फोर्थ वाला कपबोर्ड, जब हम कपबोर्ड कहते हैं तो ए जो है वो साइलेंट रहता है, तो ए को आप क्या करोगे? अंडरलाइन। मैंने किया, मैंने किया। सबने किया? मैंने भी किया, मैंने भी किया। चलिए ठीक है, अब आप देखिए पेज नंबर 95। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। ये एक स्टोरी है और हमें वो कंप्लीट करनी है। तो देखिए, मिस्टर पटेल इज एन इलेक्ट्रिशियन, तो एन यहाँ पे आएगा, पहले वाली जो फ्लैप है वहां पे एन लिखिए, ए एन एन। मैंने लिखा। इसके बाद है ही इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर, यानी कि वो एक सीढ़ी पे खड़ा है। देखिए ही एच ई ही इज स्टैंडिंग ऑन ओ एन ऑन ओ एन द लैडर, टी एच ई द लैडर। ही इज रिपेयरिंग द स्ट्रेट लाइट, तो ही लिखिए यहाँ पे एच ई ही। फिर से बोलना, चलिए ठीक है। मिस्टर पटेल इज एन इलेक्ट्रिशियन, एन आएगा पहले में, ए एन एन। उसके बाद लिखिए ही इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर, ही एच ई ही।
एच इज स्टैंडिंग ऑन ओ एन ऑन द लैडर पी एच द Ladder. He is repairing the street light. यहाँ पे आएगा he, H E E. He is repairing the T H E the street lights. Spotty, his dog is H I S is with him. H I M him. फिर है उसके बाद ही एच ई ही इज स्टैंडिंग नियर द लेटर ही इज एच ई ही मैंने लिखा ही इज स्टैंडिंग नियर द लेटर सबने लिखा यस यस चलिए ठीक है अब इसके बाद देखिए म्याऊ म्याऊ ए ब्लैक कैट इस वाले यहाँ पे फिलिंदा ब्लैक रहेगा बोलिए बोलिए His dog is 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 yes. with him. He is standing near the ladder. Okay, likha aapne. Yes, sir. Yes, ma'am. चलिए आप दूसरा देखते हैं इसके बाद म्याओ म्याओ a cat a black cat देखिए पहले वाले फ्लॉप में आएगा a दूसरे वाले फ्लॉप में आएगा cat c cat a black cat is crossing the road The road. Spotty cat, city cat. He's barking loudly and he running after the cat. He यहाँ पे आएगा he और last वाला जो flap है उसमें आएगा the cat. मैंने लिखा. आपने लिखा? मैंने लिखा. मैंने लिखा. मैंने लिखा. मैंने भी लिखा अगर सबने लिखा तो आप पेज टर्न कीजिए निकालिए पेज नंबर 96 मैम फिर से बताइए मैम मैम नीचे दिखाइए थोड़ा चलिए लिखिए म्याऊ म्याऊ अ ब्लैक कैट इज क्रॉसिंग द रोड स्पॉटी हेट्स कैट ही इज बार्किंग लाउडली एंड ही रनिंग आफ्टर द कैट अकील आपने लिखा यस मैम चलिए पेज डाउन कीजिए पेज नंबर 96 निकालिए उधर आप देखिए लुक एट द मिस्टर पटेल एट आएगा पहले वाले फ्लॉप में एट आएगा एटी एट लुक एट मिस्टर पटेल ही इज ऑन द ग्राउंड नाउ ही इज ऑन द ग्राउंड नाउ इज ऑन द ग्राउंड टू जो सीढ़ी थी वो भी कहाँ थी वो भी उसकी ग्राउंड में थी द लैडर इज ऑन द ग्राउंड टू कम बैक थोड़ा से दिखाई कम बैक बैक स्पॉटी मिस्टर पटेल इज एम आर मिस्टर Patel, P-A-T-E-L, Patel is calling out of the dog, P-H-E, the dog. Now the cat is on the roof. Now the P-H-E, the cat is, I-S, is on the roof. यानी कि जो cat आ रही छत के हाँ बोलिए मैम बोलिए मैम आप स्क्रीन शेयर की कर सकती हैं मैम आप
कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा, जिसने आधा ही लिखा, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भी सेंड करूंगी, तो आप ये बाद में देखिएगा व्हाट्सएप की ग्रुप में। ओके मैम। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद इसके साथ दूसरा है, स्पॉटी इज आई इज कमिंग बैक, द डॉग इज वैगिंग हिज टेल, मिस्टर पटेल इज नॉट एंग्री, ही इज लुकिंग एट हिम एंड देन स्माइलिंग। जो पहला वाला फ्लप है इसमें आएगा इज आई एस इज, दूसरे वाले फ्लप में आएगा The dog is T-H-E-D-O-G. मैम आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? The dog is wagging his tail. Mr. Patel is not angry. यानी कि जो मिस्टर पटेल थे उसको गुस्सा नहीं आया। He is looking at him and then smile. और फिर वो देखता ही गया और वो हंसने लगा। लिखा था मैम, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सबको मेरी आवाज? मैम सबको दिखाइए। कौन सा वाला आपको फिर से देखना है? फर्स्ट वहां से दिखाइए, दूसरे लाइन वहां से, दूसरे साइड से। द डॉग इज फर्स्ट फाइट, फर्स्ट वाला साइड से दिखाइए। फर्स्ट वाला, ये वाला मिस्टर पटेल, यही आप बोल रहे हो? नो मैम, वो उसके दूसरा पेज है ना। हाँ ये वाला आप बोल रहे हो, लुक एट मिस्टर पटेल। यस मैम। ओके, लुक एट मिस्टर पटेल, ही इज ऑन द ग्राउंड, नाउ द लैडर इज ऑन द ग्राउंड टू, कम बैक स्पॉटी, मिस्टर पटेल इज कॉलिंग आउट ऑफ द डॉग, नाउ द कैट इज ऑन द रूफ। मैम आवाज नहीं आ रही है। लिखा सबने? नो मैम। द डॉग मैम द कहा मैम द सो पेज दिखाओ मैम। हां बोलिए। नहीं 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 दिखा अभी, लिखिए जल्दी से। दूसरा पेज दिखाइए, दूसरा पेज दिखाइए। कौन सा वाला? ये स्पॉटी इज कमिंग, यही आपको लिखना है? हां पहले देखिए किसको क्या लिखना है वो लिखिए। सर बस यही बोल रही हूं मैम, दूसरा ही दिखाइए, दूसरे पेज वाले का दिखाइए। आप जिसने जितना लिखा मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भी सेंड करती हूँ। वो नहीं, किसका क्या पेंडिंग रहा है मैं उसको वही दिखाऊंगी। दूसरा साइड इसका पेन निकला है। पेज नंबर बोले, पेज नंबर आप बोले। मैं पेज नंबर 96। 96 ये वाला, लुक एट मिस्टर पटेल, ही आपको आपको लिखना है। तो मैं जो इसका दूसरा वाला है ना, स्पॉटी इज कमिंग बैक द डॉग इज, यही आपको लिखना है, लिखिए। यस मैम। राइट मैम, पहला वाला दिखाइए। या पांच मिनट बाद ये आएंगे, आएंगे उंगल उंगल कहाँ इन्हें तब जाइए आएंगे। रुबान आपने लिखा? रुबान जल्दी से लिखिए।
बनके है रूपवान। आयत निसार आप अपना रोल नंबर बोलिए। मैम बोलिए। आप वहां से पढ़िए, लुक एट द मिस्टर पटेल। Look at Mr. Patel. He is on the ground. Now the ladder on the ground to come back. Come back. Spotty Mr. Patel is calling out to the dog. Mr. Now the cat is on the roof. Mr. Patel is come out. Mr. Patel, the dog is licked. Now the cat is. Yes. Mr. Patel is. Mr. Patel is. Mr. Patel is. मैम हमने लिखा होगा। सबने लिखा? या मुझे इसका लूप वाला दिखाइए। जल्दी से लिखिए। लिखिए मिस्टर पटेल इज नॉट एंग्री। ही इज लुकिंग एट हिम एंड देन स्माइलिंग देन THEN देन। लुक एट का दिखाइए, वो मुझे वो दिखाना है। लुक एट दिखाइए मैम। लुक एट क्या लिखना है आपको? लुक एट मैसेज। लुक एट मिस्टर पटेल, ही इज ऑन लेदर इज ऑन द ग्राउंड। कम बैक मिस्टर पटेल इज फाइन। ठीक मामा ने भी लिखा। सबने लिखा? यस मैम। मैम तो अब इसके बाद अब पॉइंट है, ये जो टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे ये सारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? मुझे व्हाट्सएप पे सारी बच्चे काम सेंड करेंगे। आपको दिखाई है वो मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिए सारे बच्चे। मैम अभी करना है सेंड। हाँ आप मुझे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कीजिए। मैम आप ग्रुप की सेटिंग ऑन कीजिए। हाँ मैं सेटिंग भी ऑन करूंगी तो आप सारे बच्चे मुझे सेंड करेंगे। और इसके बाद जो अब हमें कल पोएम पढ़नी है वो हम कल पढ़ेंगे। और जो आज का काम है वो भी मैं आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। और सारे बच्चे मुझे अभी काम सेंड कीजिए। अल्लाह।